डीपी जारोली साहब, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा सर, क्योंकि रीट को लेकर जितने सवाल खड़े हुए, मुझे लगता है उसके बाद इस कानून की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही होगी। आपको लगता है अगर इस तरीके का कानून बन जाएगा तो जो नकल को धंधा बनाकर बैठे हैं और परीक्षा को पैसा कमाने के मशीन समझ कर बैठे हैं, उन पर नकेल कसने में आसानी होगी? विजेंद्र जी, सबसे पहले आपको नमस्ते जी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सभी सरकारें, शायद सभी सरकारें चाहती है कि परीक्षाएं ठीक से हो। शायद पहली बार हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हम अवगत कराया सारी चीज़ों से, परीक्षाओं में क्या क्या संभावनाएं होती है, उस संभावना को ध्यान में रखकर जी। सर मुस्तक, आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से आ रही है, अपनी बात रखिए। ये वापस मेरे इको हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, हमने इस तरीके से परीक्षाओं का संचालन करने की विदा करी है और हमारी मेहनत का फल है कि हमने जितने भी ऐसे मुन्ना भाई थे उनको रोका है और सीएम साहब को हम हमेशा अपडेट करते रहे परीक्षाओं में कैसे कैसे क्या हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं। हमने हमेशा सरकार को हम राइट साइड में रख के सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्म करी कि क्या क्या बदमाशी के कहाँ कहाँ चरण हो सकते हैं जी। तो ये दोनों हो रहे कि परीक्षा करने वाली एजेंसी सतर्क रहे, वो एजेंसी इतनी सतर्क रहे कि जो आपका SOG है या पुलिस है या गृह मंत्रालय है या सरकार है, उनको अपनी समस्याएं खुले दिल से बताए। तो हमारी सरकार को हमने बताई और सरकार ने पूर्ण सहयोग किया, इसीलिए हम इस सफलता के इस स्तर पर पहुंचे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि छोटी से छोटी 3 लाख की 4 लाख की परीक्षाओं में क्या क्या होगा, और हमने जहाँ 25,71,000 बच्चे थे जिसमें से लगभग 21 लाख के ऊपर बच्चे अभ्यर्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए, उसके बावजूद हमने इतना सतर्कता से किया है, कहीं पर भी कोई पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं हुई। जहाँ कहीं पेपर सेटर से लेके प्रेस से लेके बोर्ड के स्तर तक और आगे जहाँ पर जो हुआ है वो पेपर लीक नहीं होके, देट इज एक्ट ऑफ क्राइम। जैसे कहीं मर्डर हो जाता है तो मर्डर करने वाले को सजा मिलती है, उसके जो जिन जिन को लाभान्वित है उनको सजा मिलती है जी। ये एक्ट ऑफ क्राइम है किसी व्यक्ति विशेष। अच्छा, वो दिल से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि राजस्थान की जनता भी पूछना चाह रही होगी, क्या मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है या ये सारे प्यादे थे और मास्टरमाइंड अभी भी खुला है जी? नहीं जी, ये चीज जब SOG कर रही है तो किसी भी, जब कोई न्यायालय में होता है या पुलिस में जहाँ या इंक्वायरी हो रही है उसमें बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार है केवल शिक्षक भर्ती हो या कोई भर्ती हो, ये पहली रीट परीक्षा, यहाँ से हमने एक पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल दिया परीक्षाओं का न केवल डायरेक्शन बदला है, क्योंकि मेरे को पीड़ा थी कि शिक्षक अगर ऐसा कोई भर्ती हो जाता है तो वो न केवल खुद अपनी जगह लाभ ले रहा, आने वाली 30 साल की जनरेशन को वो खराब करेगा। इसलिए मैं बहुत पीड़ित था।